सीकर रोड पर काल बने ट्रक चालक, दो हादसे में कई लोग घायल। विश्वकर्मा इलाके में कार को टक्कर मारने के बाद चलते ट्रक से कूदकर भागा ट्रक चालक। कुछ देर बाद हरमाड़ा क्षेत्र में बाइक सवार दो दोस्तों को ट्रक ने कुचला, गंभीर हालत। सीकर रोड पर रात के समय ट्रक काल बनकर सामने आए। दो जगहों पर दो हादसे हुए, एक हादसे में दो युवक गंभीर घायल हुए तो एक अन्य हादसे में कुछ लोग घायल हैं और कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। पहला हादसा विश्वकर्मा और उसके कुछ देर के बाद दूसरा हादसा हरमाड़ा थाना क्षेत्र में हुआ। दोनों हादसों के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। दोनों हादसों के बाद फरार हुए ट्रक चालकों की तलाश की जा रही है। कार को टक्कर मारी, उसके बाद चलते ट्रक से कूदकर भाग गया ट्रक चालक। विश्वकर्मा थाना इलाके में 14 नंबर पुलिया के नजदीक पहला हादसा हुआ। पुलिस ने बताया कि पुलिया के नजदीक से होकर गुजर रहे एक ट्रक चालक ने अचानक आगे चल रही कार को टक्कर मार दी। कार चालक कार रोकता लेकिन ट्रक नहीं रुक पाने की वजह से वह कार नहीं रोक सका। कार को टक्कर मारने के बाद ट्रक चालक चलते ट्रक से ही कूद गया और भाग छूटा। फिर ट्रक ने कुछ अन्य वाहनों को टक्कर मारी और उसके बाद एक पान की दुकान में घुस गया। पान विक्रेता बेकाबू ट्रक को आता देखकर वहां से भाग छूटा। बाद में उसकी बाइक भी ट्रक की चपेट में आ गई। पुलिस ने बताया कि 3 से 4 वाहनों को टक्कर मारने के बाद ट्रक जैसे तैसे थमा। ट्रक को विश्वकर्मा थाना पुलिस ने जब्त कर लिया है और चालक की तलाश की जा रही है। शादी से लौट रहे थे, ट्रक के टायरों में फंसी बाइक घसीट कर ले गया चालक। दूसरा हादसा कुछ देर के बाद ही भैरो खेजड़ा गांव के पास हुआ। मौके पर पहुंची हरमाड़ा पुलिस ने भी बताया कि बाइक सवार दो युवक शादी से लौट रहे थे, इसी दौरान एक ट्रक की चपेट में ले लिया। बाइक सवारों समेत बाइक ट्रक के टायरों में फंस गई। ट्रक चालक कई मीटर तक बाइक घसीट कर अपने साथ ले गया। कुछ देर के बाद बाइक सवारों और बाइक को बाहर निकालकर सड़क किनारे फेंका गया और फरार हो गया। वहां से गुजर रहे किसी व्यक्ति ने इस बारे में पुलिस कंट्रोल रूम में सूचना दी। फिर हरमाड़ा पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों युवकों की हालत गंभीर बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव राजस्थान।